ये बुग्गी ट्रैक्टर वाले जो नहर की पूरी मिट्टी काट ले गए, सब मिट्टी काट ले गए, अवैध वसूल से 5-5 हजार रुपया आप बुग्गी वालों से वसूलते हैं। और जो जो सरकारी कोई मुलाजिम मिट्टी डलवाए वो फ्री में डाल रहा है। पूरी नहर की पटरी बेकार करवा दी। पोखर और डहर का एक सेकंड, पोखर और डहर का क्या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो सकता है या क्या उसका दाखिल खारिज हो सकता है, बेनाम हो सकता है? अरे आप सीधे शिकायत बताइए, शिकायत है ये रहा ये रहा। और आपकी कोल तहसील तहसीलदार न्यायक 4 वर्ष से 167 की कार्रवाई को दफ्तर में धरे बैठे और बाजी को ये सर लोगों ने पोखर में पट्टे काट दिए पर्सनल एक दूसरे को, बिक्री हो रही है, बिक्री कर दिए, सब बिक्री कर दिए सर। और साहब ये उसके केस भी चल, बहुत बड़ा माफिया है जो क्रेता है। प्राइवेट अपनी अपने खेत में लग रही है, वहाँ पे जो नलकूप वाले जो के लिए जमीन वाले वो लगा रहे हैं, तो इनकी समर का बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसका जो जियो है वो भी 500 मीटर के व्यास में उसमें लगा दें वो। एक्चुअल में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से जो है आप 3 ज्ञापन दिए गए, जो एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है जिसमें किसानों की बिजली की समस्या से लेकर के अर्जन की समस्या तक पर उन्होंने अपना 14 बिंदुओं की समस्या का एक ज्ञापन दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय की तरफ से चला जाएगा। दूसरा इन्होंने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है जिसमें अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है, वो भी हम इनका ज्ञापन यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक पहुँचवा देंगे। कुछ समस्याएं हैं जो जिलाधिकारी के स्तर पर हैं, उसके लिए इन्होंने जैसे कुछ गांव के अर्जन को लेकर के इन्होंने शिकायत की है, कुछ गांव के सर्कल रेट को लेकर के शिकायतें हैं, मंडी समिति में जो परेशानियां आ रही हैं उस संबंध में टीन शेड को लेकर के शिकायतें हैं, तो वो माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने पुट अप किया जाएगा और इनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। अगर पुलिस में है दोनों मियां बीवी तो पुलिस वाले के खिलाफ कुछ बात नहीं होगी। हमारा कहना है कि आप हमारे संज्ञान में ले लें इसको, ये आप हमारी ले लें, हम आपको ही बतवा रहे हैं क्योंकि ये जब मेरी शादी हुई थी तब उनकी नौकरी नहीं थी, शादी के बाद वो भर्ती हो गए और उस महिला की शादी हुई थी वहाँ उसके पति की नौकरी नहीं थी ना महिला की, फिर उस महिला की पुलिस में नौकरी लग गई, दोनों की फतेहगढ़ तब से मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, उस महिला ने अपने पति को डिपोर्स दे दिया लेकिन मैंने नहीं दिया, मुझे रखते नहीं है, उस महिला पे एक बेटी है वो मेरे पति की है। ऐसा ना, ये SSP साहब को यहाँ से चला जाएगा, मुझे न्याय दिलवा दो, मेरे पापा भी नहीं है ना। जिला अधिकारी महोदय यहाँ से चढ़ के SSP को जाएगी, ठीक है ना, जो भी होगा करा जाएगा। किस समस्या को लेकर जिलाधिकारी ऑफिस आए? हम समस्या को लेकर आए, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, जंगली जानवरों से आहत है किसान, बंदरों से, लील गाय और जंगली सुगर, इनसे किसान पूरी तरह से आहत है और खेती छोड़ने के लिए मजबूर है किसान। क्या आश्वासन मिला है फिर यहाँ से? आश्वासन ADM साहब ने कहा है हमको कि हम तुम्हारी बातों को पूरी तरह संज्ञान लेंगे और इस पर सख्त से सख्त दिशा निर्देश करेंगे। और भी कोई गरीब परिवार की समस्या थी उसको लेकर? गरीब परिवार की ये थी भैया, तहसीलदार से शिकायत करिए, एक बारिश के टाइम में एक का मकान गिर गया
और दोनों मियां बीवी के जो है हाथ पैर टूट गए बेचारे, बहुत दिन हॉस्पिटल में रहे, उनका काम नहीं हो पाया, बसरते क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ रिश्वत लेखपाल को या कानीगो को नहीं दी तो उनका बेचारों का काम नहीं हुआ है। क्या नाम था लेखपाल का और कानून जी? लेखपाल का और कानून का नाम क्या है? कानीगो तो वो मालूम ना है, लेखपाल साहब है उमेश चंद शर्मा जी। अच्छा, कौन से गांव का मामला? गांव नानू अकरवा जो है तहसील कोल। अच्छा, आप किस पद पर हैं यहाँ? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान महानु से। तो समस्या का कुछ समाधान हुआ? समाधान आश्वासन दिया है, इन्होंने कहा कि हमसे मिले आप आके, तो हमने कि चलो ठीक है मिलेंगे। ये आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर बच्चू सिंह, मंडल अध्यक्ष व्यापार मोर्चा लीगा। किस समस्या को लेकर आए हैं? किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर हम यहाँ आए, कुछ तो नील गाय हैं और हमारे गाय वगैरह हैं, साढ़े हैं और सुअरों की जो दिक्कत है, सुअरों को जैसे हम पकड़ पाते हैं किसान लोग तो वन विभाग वाले दबंगई करके FIR दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ। अच्छा। और उनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। ADM साहब से बात भी हो गई हमारी, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आपका नाम? ठाकुर कुलदीप सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। किस समस्या को लेकर यहाँ पर आए? मेरे गांव की भी कुछ समस्या थी जो आज 5 साल से चलती आ रही है लगातार, आज तक वो समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मैंने SDM साहब को भी लेटर दिया था, अभी उसको संज्ञान में नहीं लिया और ना ADM साहब के लिए आदेश किए गए, अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने दिया था जिलाधिकारी के लिए। तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला? बोला है 2-4 दिन 10 दिन का टाइम दीजिए, हम आपके काम को कराते हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? आंदोलन किया जाएगा जिलाधिकारी कार्यालय पर। क्या नाम है आपका? ठाकुर कुलदीप सिंह, जिला। आज पूरे राष्ट्र में भारतीय किसानों का ज्ञापन था, जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसमें जो सरकार से जो वादा खिलाफ की है सरकार ने, उन्हीं के संबंध में ज्ञापन दिया गया था। उसमें मुख्य बिंदु है कि सरकार के जो घोषणा पत्रों में थे कि बिजली मुफ्त देना किसान को, सरकारी और निजी नलकूपों पर गन्ने के रेट बढ़ाने की बात हुई थी, आवारा पशुओं के संबंध में बात हुई थी और फसल के बीमा के संबंध में है, और जो MSP है इन और जो सर्किट रेट है इनके सबके संबंध में जो वार्ता हुई थी सरकार ने नहीं मानी है, उन्हीं के संबंध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और आज ACM सेकंड है शायद, उनको हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, उन्होंने वार्ता सकारात्मक रही, देखते हैं क्या होता है। गेटर अलीगढ़ में जिस तरह किसानों के द्वारा वहाँ उद्योग प्रदर्शन किया गया उसको लेकर किसान के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, क्या है स्टैंड आगे किसानों का? नहीं, यदि अधिकारियों का यही रवैया रहा तो हमारे आंदोलन चल रहे हैं, यदि इनको कुर्बानी ही लेनी है तो किसान कुर्बानी के लिए तैयार है, हम आर पार के लिए तैयार हैं, जैसा इनके इच्छा हो उस हिसाब से हम तैयार हैं। अटलपुर में भी कोई आपका धरना चल रहा है? हाँ, अटलपुर में हो धरना चल रहा हूँ, तो वो धरने के लिए भारतीय किसानों का पूरा समर्थन है, लेकिन हम शांतिपूर्वक धरना करते रहेंगे क्योंकि अधिकारी लोग हैं ये उकसाने के लिए बार बार कुछ चीज़ कहते हैं, हम उन चीज़ों से बचेंगे और हमको अपना धरना रखना है। हमको अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य रखना है कि वो आंख दिखनी है, बस हमको अपनी जमीन बचानी है, उसमें संघर्ष किया जाएगा, वो FIR वापस होगी, अधिकारियों से वार्ता होगी, वार्ता के द्वारा ही नहीं होगी तो फिर आंदोलन चल ही रहा और गिरफ्तारी देंगे फिर हम हर तहसील में आंदोलन। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से जो है आप 3 ज्ञापन दिए गए, जो एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है जिसमें किसानों की बिजली की समस्या से लेकर के अर्जन की समस्या तक पर उन्होंने अपना 14 बिंदुओं की समस्या का एक ज्ञापन दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय की तरफ से चला जाएगा। दूसरा, इन्होंने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है जिसमें अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है, वो भी हम इनका ज्ञापन यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक पहुँचवा देंगे। कुछ समस्याएं हैं जो जिलाधिकारी के स्तर पर हैं, उसके लिए इन्होंने जैसे कुछ गाँव के अर्जन को लेकर के इन्होंने शिकायत की है, कुछ गाँव के सर्किल रेट को लेकर के शिकायतें हैं, मंडी समिति में जो परेशानियां आ रही हैं उस संबंध में टीन शेड को लेकर के शिकायतें हैं, तो वो माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने पुट अप किया जाएगा और इनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। मजदूरी की और किसान की मजबूरी की जो परेशान कर रहे हैं, अभी गाँव की शिकायत आई है जंगली सुअर, किसान को खेत उजाड़ दो, किसान ने पकड़वाए के खरीदने दे दो और वन विभाग ने करवाई दी है FIR किसान को। क्या प्रशासन से मांग करते हैं DM साहब रखे पड़े या उन सूरन ने ADM रखे जो प्रशासन रखे या वन विभाग व्यवस्था करे, उन्हें मरेंगे और मारेंगे, ठोकेंगे ठोकेंगे। हम आप बात को समर्थन करें, कोई दिक्कत ना, हम आज सुन लो जी, हम लड़ाई लड़ने आए एक जी, मेरे मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सुंदर भाई जी 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 जानते वाले हैं जी आप, हमारी लड़ाई है बड़ी दो आपकी सब जी। ये अलीगढ़ का प्रशासन 59 गांव
इधर सात गांव की जो जमीन जा रही है जबरदस्ती छीन रहे हो, ठीक है ना। हमारी लड़ाई है जमीन लेते हो तो आज की रेट में लो, 12 साल पुराने रेट में मत लो, 12 साल से सर्किल रेट ना बढ़ो। नंबर एक, नंबर दो, जो हमारी जमीन है जो भूवतगंज सर 13 में बने हुए वहाँ कहता है जब 80% किसान राजी है जबरदस्त यहाँ का जो विकास बात करें जो सात गांव की जमीन ले रहे हैं वो जबरदस्ती ले रहे हैं, मतलब रिपोर्ट कर दी है और बीस इतना बढ़िया है वह चपरासी में रहना चाहिए, इतना ना लायक हम कह के रहे। हमारी वादरा बात हुई, हम भी किसान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा कोई लड़ाई लड़ाई ना है। अलीगढ़ में आप होते चौधरी साहब आपका समर्थन करते हैं, मैं आपके जिक्रपुर में हुआ हूँ, हर जगह को मेरी कोई किसी के गुटबाजी नहीं, मैं आपके साथ खड़े हुए।